छत्तीसगढ़ में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। बता दें कि प्रदेश में बीजेपी ने अपने 11 लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी, जिसमें महासमुंद लोकसभा से पार्टी ने वर्तमान सांसद चुन्नीलाल साहू का टिकट काटकर पूर्व विधायक रूप कुमारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं लोकसभा टिकट मिलने के बाद रूप कुमारी चौधरी का बुधवार को पहली बार धमतरी में नगर आगमन हुआ। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। बीजेपी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भेंट मुलाकात की, साथ ही मोदी की गारंटी को लेकर डोर टू डोर संपर्क करने की भी अपील की। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए छत्तीसगढ़ की 11 में से 11 सीटों पर भी जीत का दावा किया है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। निश्चित रूप से जनता का स्नेह मान लो मिलता है नहीं, मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी को जनता स्वीकार कर रही है। और आपने देखा है कि मोदी जी के ऊपर जो भरोसा आज इस देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग भरोसा कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी अंतर के साथ विजयश्री मिलेगी। और धमतरी की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, क्योंकि पिछले समय विधायक तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की विधायक थी श्रीमती रंजना साहू, लेकिन कांग्रेस की सरकार होने के कारण कहीं ना कहीं धमतरी का विकास जितना होना चाहिए नहीं हो पाया, अछूता रहा। तो जो भी कमियां रही है वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब छत्तीसगढ़ में है और प्रदेश देश में तो 400 पार के साथ हम सरकार बनाएंगे, तो निश्चित रूप से जो भी मूलभूत समस्याएं होंगी जब मेरे सामने वो आएंगी, तो निश्चित रूप से उन सब समस्याओं को दूर करके धमतरी का विकास किया जाएगा।